हैरान हो गई ना तू मुझे यहाँ देखकर। तूने तो मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था, फिर मैं यहाँ कैसे? तूने तो ये भी सोच लिया होगा कि गया मैं एक डेढ़ हफ्ते के लिए। Naughty girl। कल तो बड़े बड़े भाषण दे रही थी, कह रही थी ये कर दूंगी वो कर दूंगी, देख 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 मुंह कैसा हो गया। बेचारी बहुत दूर से आई है, और तो और इसे शोरगुल भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं करेगा, हॉस्टल में कमरा चाहिए ना, मिल जाएगा, पर जब तक मैं साइन ना करूं, और मेरी साइन इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा। तो सनी, मैडम को कमरा कब मिलेगा? जब इस फॉर्म पर तुम्हारे साइन होंगे। और मैं साइन तब करूंगा जब ये कल की हरकत के लिए मुझसे गिड़गिड़ाकर मुर्गा बनके माफी मांगेगी। मैंने पहली बार तुम्हें कल देखा था ना, तो मैं देखते ही समझ गई थी कि तुम एक बिगड़े हुए इंसान हो, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। वो फॉर्म फाड़कर तेरे मुंह पे फेंक के चलेगी और तू चुप रहा, तूने उसे जाने को दिया है क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे उसकी की सजा इस वक्त दे देता तो वो सहन कर जाती है, पर मुझे तो उसे और कमजोर बनाना है, और कमजोर, और फिर सजा देनी है। मादी लालटेन, आपका नाम कॉलेज के रजिस्टर में लिखा जा चुका है और आप वाइस प्रिंसिपल मिसेस शुक्ला जी से मिल लीजिए, वो आपको बताएंगे कि कौन सा लेक्चर आपको अटेंड करना है, समझ गए आप? हाँ, पता नहीं हम कहाँ से बीच में डाले। रानो, अब तू क्या करेगी? होटल में भी ज्यादा दिन नहीं रह सकते, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मेरी बात मान, एक बाबू जी से फोन पे बात कर ले। तू होटल जा, मैं क्लास अटेंड कर आती हूँ। लेकिन कॉलेज में नई टीचर आई है, क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। जल्दी खा, और भी काम पड़े मेरे पास। फिर पानी पीने लग गया, छोड़ पानी। बच्चे को खाना खिलाने का ये क्या तरीका है? थोड़ा सा प्यार से बात कर लोगी तो गिर जाएगा कुछ। लो जी, अब मेरे तौर तरीकों पे भी आपको प्रॉब्लम है। आने दो उसको, सीख लूंगी सारे तौर तरीके उसे। चबा। कम से कम छोटे बच्चे के सामने तो इस तरीके। मैं बच्चों के सामने शुरू हो जाती हूँ।
रानो रानो रानो, जैसे रानो के अलावा आपकी जिंदगी में और कोई है ही नहीं। हाय रब्बा, तुमसे तो बात करने का मत। बाजी बाजी। क्या बात है? बजाना पंगा पड़ गया है। फौजी चाचा और मेरे मामा के बीच में झगड़ा हो गया है। तेरे मामा और फौजी चाचा के बीच? वो मामा जी गांव वालों से उनके जमीन के कागजात पे साइन करा रहे थे और तभी चाचा को गुस्सा आ गया और पता नहीं बात इतनी बढ़ गई कि। चल मेरे साथ। सुनिए जी, ये गांव वालों का स्यापा है, आपको उसके बीच में घुसने की जरूरत नहीं। इस गांव में मैं भी रहता हूँ। आज मुखिया ने गांव वालों की जमीन पे नजर डाली है, कल मेरी जमीन पे भी डाल सकता है। और वैसे भी इस तरह के मामलों में तुम ना ही बोलो तो बेहतर होगा। अगर किसी ने मेरी जमीन की तरफ उठा के भी देखा ना तो मैं उसके तोते तोते कर दूंगा। और कोई तेरी जमीन की तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा है, मैं कह रहा हूं ना, फेंक दे लाठी। ओए गुर्जर, ओए बहुत गुंडागर्दी बढ़ गई है इस मुखिया की, बहुत ज्यादा। इन गरीबों से उनके जीने का सबब छीन लेना चाहता है वो, और ये सारे के सारे पिट्ठू की तरह उसके आगे पीछे सर हिलाते घूमते फिरते हैं। वो लड़ा थे तुम पर, लड़ा थे। ले भाई, दराती फेंक दी गुरु, मैं भी खाली हाथ खड़ा हूं। अब इन सारे गांव वालों की आवाज मैं हूं, आओ मुझ पे वार करो, उठाओ लाठी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, वो अकेला आप सबकी जमीनों के लिए लड़ रहा है ताकि आपके घरों में चूल्हा ठंडा ना हो, अपना खून जला रहा है ये, और आप लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। सच्चा फौजी है ये, और तू असली फौजी है यार। मास्टर जी, इनमें इन सब का कोई कसूर नहीं है, वो मुखिया इन सबों को लालच दे रहा है कि इनकी जमीन पर नए मकान और ये शहर वाले बड़े बड़े मॉल बनाए हैं जिनमें हम सबको हिस्सा मिलेगी। झूठ बोलता है वो, कितना टोटे कर दूंगा। एक मिनट, अच्छा अच्छा जी, वो इधर ही आ रहा है। कसमा सीधा खड़ा रहे। एक मिनट, ये कोई तुम लोगों की जीत नहीं है, आप सबको अपनी अपनी जमीनों की रक्षा खुद करनी होगी, और ये तभी हो सकता है जब आप लोग अपने दिलों में ये जज्बा पैदा करें कि ये जमीन आपकी मां है और इसका सौदा नहीं हो सकता। चलिए अपने अपने काम पे जाइए। इस जोश को फौज के लिए बचा के रख। ओए फौज से तो अब रिटायर हो गए यारा। वैसे एक बात बता, तेरे को रब की समझ सच सच बताना। बाबूजी, बाबूजी,
आपने तो कमाल कर दिया। आज रानू होती तो अपनी बहू जी का हौसला और हिम्मत देखकर कितनी खुश होती। कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया आपने सबको, है ना बाऊजी चाचा? बिल्कुल सही कहा तूने पुत्र। बाऊजी आप में ना लीडर बनने वाली सारी क्वालिटी है। इनको लीडर की जरूरत नहीं है, इनको एक मार्गदर्शक की जरूरत है जो इन्हें हिम्मत दे सके, सच्चाई की ताकत से लड़ना सिखा सके। मैं समझ गया तेरा इशारा किस तरफ है। अपनी रानू है ना? हाँ भाई, टीचर जो बन के आ रही है वो। हेलो एवरीवन। मेरा इंट्रोडक्शन तो मिसेस शुक्ला ने आप सबसे करा ही दिया है। मैं 2 महीने तक आप लोगों के साथ रहूंगी और आई होप कि ये 2 महीने आप मेरा साथ देंगे। मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब हमारा भी ले लो इंट्रोडक्शन। अगर ऐसी बात है तो चलिए पहले आप सबके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसने ये सवाल पूछा है। तो कौन है वो? प्लीज स्टैंड अप। जी तो आप दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग मैम, मैम माय नेम इज सनी। हाय मैम, आई एम करण, नॉट जौहर नॉट पटेल, जिस करण शारदा। जी हाँ। हेलो मैम, वैसे तो मैं जूनियर बच्चन नहीं, लेकिन नाम है अभिषेक। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में आने की? हाँ, और तुम, तुम्हें तो मैं और मैडम मैं रणबीर। देखो ये मेरी क्लास है। हमारी भी तो है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम जी मिस, जाके मिसेस शुक्ला को बुला के लाओ और उन्हें कहो ये लड़का मेरी क्लास। रणबीर तो इसी क्लास का स्टूडेंट है मैम। हाँ ये बात तो अलग है, रणबीर और उसके दोस्त 4 साल से इसी क्लास में। तो मैडम क्या मैं बैठ जाऊं? मिस, मुझे मेरी क्लास में डिसिप्लिन चाहिए। कुछ नहीं मैडम, वो हवा निकल गई थी। सॉरी सॉरी, आप शुरू कीजिए, अब नहीं होगा। स्टैंड अप। आई सेड स्टैंड अप। गेट आउट ऑफ माय क्लास नाउ। नाउ मैं तो साइकोलॉजी की बात कर रहा था, जिसे आप मनोविज्ञान कहते हैं। मैडम जी, साइकोलॉजी का मतलब होता है कि इंसान को मन से पढ़ना, और चेहरा ही तो इंसान के मन का दर्पण होता है। अरे वाह,
क्या कहा मैंने? थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम जी। सबसे पहले मनोविज्ञान पढ़ने के लिए इंसान का एक हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, तभी तो इंसान का मन विज्ञान पे लगेगा। क्यों दोस्तों? क्यों नहीं? तो मैडम जी, हमें विज्ञान पढ़ाने से पहले आप हम सब के लिए एक लंबी सी मुस्कुराहट देंगी। अरे तभी तो हमें पता चलेगा कि आप हमें साइकोलॉजी पढ़ा सकती है भी या नहीं। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? हंसिए ना मैम, प्लीज मैम, प्लीज। अगर हंसना भी चाहेगी ना तो भी मैं तुझे हंसने नहीं दूंगा। रणबीर जो तू कर रहा है ठीक करना ना यार, देख कुछ गलत ना हो जाए। मादी लालटेन, मैं क्या कर रहा हूं? अरे जो भी हो रहा है ना, ये रवि तो मुझसे करवा रहा है। बस कल सुबह देखना इस रानू की क्या हालत होती है, अब वो देख पाएगी यारा दा टशन। भाइयों बहनों सावधान सावधान, ये लड़की दिखे आपको दिल से बात ना करिए। इसका नाम है रानू, ये आदिनी, ये तो पूरी पागल है और शायद एक आधा खून भी कर चुकी है। ये शायद आपके आस पास ही ना हो, तो प्लीज 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 बच के रहिए इससे, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सावधान सावधान सावधान, सावधान।